ड्रामा सीरियल जुर्म की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं शावेज़ की माँ अदालत में ये बात तो साबित कर देगी कि बल्कीस ही है जो मलिक इजलाल का साथ दे रही थी। शावेज़ की माँ बल्कीस के शौहर को भी अदालत में पेश करेगी, जिसके बाद मलिक इजलाल की सारी हकीकत खुलकर अदालत के सामने आ जाएगी और अदालत मलिक इजलाल को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे देगी, जिसके बाद मलिक इजलाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापे मारेगी। जब मलिक इजलाल को इस बात का इलम होगा तो वो बल्कीस के पूरे ख़ानदान को मारने का हुक्म दे देगा और दूसरी तरफ मलिक इजलाल मलिक जुबैर से कहेगा, तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से शादी सिर्फ इंतकाम लेने के लिए की और वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मलिक जलाल का बाप मलिक जलाल की गिरफ्तारी को लेकर बहुत परेशान होता है और मलिक जलाल से कहता है, बेहतर होगा तुम रोपोश हो जाओ या फिर कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ और जब तक सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक वापस ना आना। लेकिन शावेज़ की माँ मलिक जलाल को गिरफ्तार करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मलिक जलाल का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मलिक जलाल ने ईशा के भाई और माँ के साथ जो कुछ किया उसका हिसाब तो मलिक जलाल को देना ही होगा। ऐसे में आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।